हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में एक नया जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में एक नया जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो जॉब नोटिफिकेशन आया है टाटा मेमोरियल सेंटर सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी, जो आपका नाभि मुंबई पे है, इसमें मेंशन किया है ए गेंट इन एट इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेंशन किया है ऑनलाइन इंटरव्यू होगा ऑन प्रोजेक्ट, मींस जो प्रोजेक्ट आया है वो प्रोजेक्ट के लिए वो लोग को ये पोस्ट चाहिए, वो इंटरव्यू ऑनलाइन में होगा। अभी देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या प्रोजेक्ट डिटेल्स और पे स्केल क्या है, नॉर्म्स क्या चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितना चाहिए। अभी जो फर्स्ट जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर पोस्ट है, उसके लिए आपका पे स्केल 21,000 से 54,000 पर मंथ होगा। और इसके लिए नॉर्म्स मीन्स उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, लेकिन मिनिमम टू इयर्स एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव वर्क इन रूरल सेटअप में। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। अभी चलते हैं जो नेक्स्ट कोर्स है, नेक्स्ट जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसका पे स्केल कितना है 19,000 से 31,000 पर महीना है। और उसके लिए आपका नॉर्म्स और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, SSG विथ MSCIT कोर्स और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर सेटअप में। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 2 ही पोस्ट है। और जो थर्ड नंबर जो पोस्ट है वो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर, उसका सैलरी है 21,100 रुपीज़ से 45,000 पर महीना। और इसके लिए भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए इन साइंस में, सिर्फ साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 7 पोस्ट है, ड्यूरेशन 6 मंथ मे बी एक्सटेंडेड। मीन्स इसका मतलब है पहले वो लोग 6 महीना के लिए अंडर दिस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करेगा, बाद में वो एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उस हिसाब से जो आप लोग को एज पर योर जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग कौनसन पोस्ट को जल्दी अप्लाई कर लीजिए। इसमें मेंशन क्या है, जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसको स्कैन कॉपी ऑफ देयर अपडेटेड रिज्यूम, वो लोग को रिज्यूम सबमिट करना पड़ेगा, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द ईमेल, जो ईमेल नंबर दिया है इस ईमेल को आप लोग को अपडेटेड रिज्यूम सबमिट करना पड़ेगा। जो मेंशनिंग पोस्ट अप्लाई इन द सब्जेक्ट लाइन और बिफोर 10/6/2021 से 10/6/2021 का पहले वो आप लोग को रिज्यूम इस ईमेल में सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग और भी मेंशन किया है, जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट है विल बी इन्फॉर्म अबाउट ऑनलाइन इंटरव्यू दो ईमेल। इसके बाद वो लोग शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो लोग को ईमेल से इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। वो जो इंटरव्यू है इंटरव्यू सिर्फ ऑनलाइन पे होगा, मींस ऑनलाइन सिस्टम से वो इंटरव्यू होगा।